यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं नूह जिले के बहुचर्चित डिंगरहेड़ी डबल मर्डर और डबल गैंगरेप के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई और साथ ही चार आरोपियों को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया। दरअसल पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। पीड़ित पक्ष की ओर से केटीएस तुलसी और साथ ही सलमान खुर्शीद बतौर वकील पेश हुए हैं। वकीलों ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता आरोपियों की संख्या 8 बताती रही, लेकिन सीबीआई ने सिर्फ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि अगस्त 2016 में मेवात जिले के डिंगरखेड़ी गांव में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप किया गया, 2 लोगों की हत्याएं कर दी गई, साथ ही इस मामले में 7 लोग घायल भी रखे। 8 लोगों पर आरोप लगाया गया, लेकिन सीबीआई 4 लोगों के खिलाफ ही एक्शन ले रखी है। इसको लेकर सीबीआई की जांच पर उसकी कार्रवाई पर सवाल जरूर उठते हैं और इसी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार जवाब ये जरूर मांगा है। सीबीआई से जवाब मांगा गया है, साथ ही आरोपियों को भी जवाब तलब किया गया है। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूह पुलिस की ओर से पकड़े गए 4 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, इंसाफ की गुहार लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ हमें न्याय मिलता ना देखा, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अब वहाँ हमें न्याय मिलेगा। विक्टिम का कहना यह है कि जिन लोगों ने रेप किया मैंने उनको पहचाना, आइडेंटिफाई किया, और हर लड़की के साथ 4-4 लोगों ने रेप किया, हर लड़की के साथ, यानी कि रेपिस्ट की तादाद जो लड़कियों ने बताई है वो 8 बताई है। क्राइम सीन रात के 12 बजे से शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। आप ये सोचिए कि अगर ये 4 आदमी ही थे कुल, तो क्या केवल 4 आदमी 2 का मर्डर भी कर पाएंगे, 2 लड़कियों के साथ रेप भी करेंगे और 4 आदमियों को इंजर्ड भी करेंगे? इतने बड़े क्राइम सीन पर केवल 4 आदमी नहीं हो सकते, बल्कि आदमी ज्यादा है।